हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे PEA और RUB के बीच में जो अगला T20 चैलेंजर्स का जो मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, PEA और RUB के कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए नजर आएंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको कंप्लीट 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, और किसे आप इस मैच के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दे। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लें। यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा, अगर कोई भी चेंजेस होता है हमारी टीम में, अगर कोई भी बदलाव आता है, क्योंकि देखो अभी टीम बनाएंगे, लाइनअप के बाद हो सकता है कि एक दो प्लेयर चेंजेस हो, तो वही चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं, पहला कमेंट पे मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैच रहेगा, ग्राउंड वही रहेगा, टाइमिंग 9 बजे देखने को मिलेगा, और 18 सितंबर यानी कि दोस्तों आज ही मुकाबला होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। देखो, मैं आपको स्टैट्स बताने से पहले ये चीज़ आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि पिच रिपोर्ट से भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। पिच रिपोर्ट में क्या है कि यहाँ अभी तक देखोगे ना, 16 मैचेस इसी सीरीज का इस ग्राउंड पर मैच हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने 5 मैचेस जीता है और सेकेंड बैटिंग टीम 11 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगा ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि सबसे पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि चेजिंग करते हुए टीम को पिच से एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी 100 रन के आसपास एक एवरेज इसको इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, बॉलिंग पिच है इसलिए। PEA के जो टीम है दोस्तों, अभी तक 7 मैचेस खेला है, जिसमें से 6 मैचेस जीता है और 1 मैच लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन RUB की बात करेंगे तो 6 मैच के अंदर ओनली 1 मैच जीता है दोस्तों, और यहाँ पे 5 मैचेस लॉस करते हुए आए हैं। यानी PEA के जो टीम है ज़्यादा मजबूत नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू RUB के टीम, इनके जीतने की भी ज़्यादा चांस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। टीम के आपको यहाँ पे मीनू मानी जो कि टीम के कैप्टनसी का रोल करते हुए नजर आएंगे PEA के टीम के तरफ से, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेकिन ये जो प्लेयर है दोस्तों टीम के ओपन करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाली है। टीम के दोस्तों 4 ओवर तक बॉलिंग भी करेगी। पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 14 रन बनाई थी, प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाली हुई है, फिर 41 रन इसमें कोई विकेट हालांकि नहीं मिला है, फिर 18 रन प्लस 3 विकेट, फिर 52 रन बनाई थी इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन प्लस 2 विकेट, फिर 19 रन प्लस 3 विकेट, फिर 45 रन प्लस 1 विकेट। ओवरऑल देखेंगे 180 रन बना के 11 विकेट निकाल चुकी है। ये जो प्लेयर है टीम के ओपन भी कर रही है दोस्तों, और बॉलिंग भी करते हुए नजर आ रही है दोस्तों, इनको अपने टीम के अंदर आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के लिए आप इनको ईजी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म पर अभी चल रही है, ठीक है। बाकी विश्नोया की बात करेंगे दोस्तों, ये टीम का फर्स्ट राउंड पे खेलेगी, पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर यहाँ पे 12, फिर 31 रन, फिर 24, फिर 1 रन, फिर 24, और लास्ट मैच के अंदर 16 रन स्कोर की है। ये भी टीम का फर्स्ट राउंड का बल्लेबाज है। अलका सुरेश पहले मैच के अंदर फ्लॉप रही थी, फिर यहाँ पे 6 रन कोई विकेट नहीं मिला, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रही, फिर 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रही थी, लेकिन ये भी बॉलिंग करते हुए नजर आती है। हालांकि अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर इतना अच्छा अभी तक इनका स्कोर रहा नहीं है, तो इनको चाहें तो इस मैच के अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मलविका शाबू जो कि टीम के ओपन कर रही है, पहले मैच के अंदर 47 रन, फिर यहाँ पे 15 रन, फिर यहाँ पे 23 रन, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 24, और लास्ट मैच के अंदर 12 रन। ओवरऑल देखेंगे 132 रन स्कोर किए हुए दोस्तों यहाँ पे। सुरेश कुमार जो कि यहाँ पे 4 नंबर पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 15 रन प्लस 2 विकेट, फिर 19 रन प्लस 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप, और लास्ट के दोनों मैच के अंदर बहुत बढ़िया विकेट निकाली है। ओवरऑल देखोगे तो अभी तक 41 रन बना के 10 विकेट निकाल चुकी है। जो मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग के साथ साथ दोस्तों आपको 4 ओवर तक बॉलिंग भी करते हुए नजर आने वाली है, इनको चाहे तो आप इजी अपने टीम के अंदर ले सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया बॉलर है। PEA की टीम की तरफ से बहुत सुपर गेंदबाजी करती है।
सरस्वती यूनिट अमित की बात करते हैं तो एक ही मैचेस खेली हुई है जहाँ पे थर्ड डाउन पे खेलते हुए 0 रन बनाई थी, आप इनको ड्रॉप करना। एलिना एमपी जो कि यहाँ पे राइट हैंड बैटिंग करती है प्लस ऑफ स्पिनर है, सेकंड डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 9 रन स्कोर किए, इसमें विकेट नहीं मिला, फिर 4 रन बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, यहाँ पे 6 रन इसमें भी फ्लॉप रही है, सेकंड डाउन पे खेल रही है प्लस यहाँ पे फ्लॉप भी है दोस्तों। ओवरऑल देखोगे 19 रन बनाई हुई है, यहाँ पे इनको ड्रॉप करना। एलिना शिवो की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर फ्लॉप, और लास्ट मैच के अंदर वापस से 3 विकेट निकाली हुई है। यह भी 2 ओवर तक, यहाँ पे 2 से 4 ओवर तक लगभग बॉलिंग करते हुए नजर आती है दोस्तों। अच्छा गेंदबाज है, अगर आप ग्रैंडली के भी टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। अंजू रंजन पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 2 विकेट निकाली है, 2 ही मैचेस खेले लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार की है। विनायक सुरेंद्रन पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रही थी, फिर 7 रन प्लस 2 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाली है। ये भी बॉलिंग बहुत शानदार करती है दोस्तों, ये भी टीम के 4 ओवर तक बॉलिंग कंफर्म करते हुए नजर आएंगी। आर्या बेबी की बात करेंगे तो 5 नंबर पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर यहाँ पे 18 रन, फिर यहाँ पे 0 रन, आप इनको ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड उतना शानदार है नहीं, तो फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करते हुए चलूँगा। बाकी रागी मोहन जो कि पहले मैच के अंदर फ्लॉप रही थी लेकिन फिर यहाँ पे 1 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, फिर 1 विकेट, लास्ट मैच के अंदर हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन ये भी 4 ओवर कंफर्म गेंदबाजी करती है। शीतल 1 विकेट निकाली है। स्नेहा की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 4 रन, दूसरे मैच के अंदर 2 रन स्कोर किए, आप इनको ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड उतना शानदार है नहीं। ये PEA का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, ऑलमोस्ट आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर देखने को मिलने वाला है PEA का। वहीं अगर बात करते हैं RUB के टीम के बारे में तो कृति जेम्स खेलते हुए नजर आएंगे जो 4 नंबर पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रही दोस्तों, फिर यहाँ पे 22 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 12 रन स्कोर किए थे लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखना फोर्थ राउंड पर बैटिंग के साथ साथ दोस्तों ये भी 4 ओवर तक लगभग बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी, इनको ज़रूर से ज़रूर पिक करना, बहुत अच्छा पिक रहने वाली है जो 4 नंबर पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगी। स्वाति बाबू ये ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 21 रन, फिर यहाँ पे 1 रन, फिर 26 रन, फिर 5 रन, फिर 27 रन, और लास्ट मैच के अंदर 1 रन स्कोर की है। ये भी टीम के ओपन करती है, ओवरऑल देखेंगे तो 81 रन बनाई हुई है। दर्शना मोहनन जो कि यहाँ पे पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर यहाँ पे 28 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 13 रन बनाए थे इसमें विकेट नहीं मिला, फिर 27 रन फ्लॉप, फिर यहाँ पे 6 रन, और लास्ट मैच के अंदर 2 रन प्लस 1 विकेट निकाली हुई है। ये भी दोस्तों यहाँ पे बहुत शानदार गेंदबाजी करती है प्लस बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगी, मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने के लिए आती है, अगर आप लेना चाहते हैं इनको ले सकते हैं। एलिना सुरेंद्रन थर्ड डाउन पर खेलेगी, पहले मैच के अंदर 31 रन स्कोर किए प्लस 1 विकेट, फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, फिर यहाँ पे 30 रन, फिर यहाँ पे 14 रन, फिर यहाँ पे 11 रन, और लास्ट मैच के अंदर 23 रन स्कोर की है। गेंदबाजी इनका भी शानदार रहता है प्लस 3 नंबर पर बैटिंग भी करते हुए नजर आएंगी, लेफ्ट हैंड बैटिंग करती है दोस्तों प्लस यहाँ पे बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगी, आप इनको अवॉइड करना, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दोस्तों। बाकी यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सबस्टिन के बारे में, पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर यहाँ पे 4 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप, यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं टीम रूबे की टीम की तरफ से, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। शिया संतोष ये 14 रन स्कोर किया ओपन करते हुए, फिर यहाँ पे फ्लॉप, आप इनको अवॉइड करना। बाकी और वशी की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 25 रन, फिर 5 रन, फिर यहाँ पे 6 रन, फिर 0, आप इनको ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए। सारे मैच के अंदर आप देख सकते हैं बहुत जल्दी आउट रहती है, देख सकते हैं इनका फॉर्म उतना शानदार है नहीं। अपर्णा की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप, अभी तक 1 भी मैचेस में इनको विकेट नहीं मिला आप देख सकते हैं, तो इनको आप ड्रॉप करना है आपको। जोशीता पहले मैच के अंदर 1 विकेट निकाली हुई है, फिर फ्लॉप, फिर 11 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप, लास्ट के मैच के अंदर इनको वापस 1 विकेट मिला है, हालांकि बहुत संघर्ष कर रही है दोस्तों पूरे टूर्नामेंट के अंदर। गोपिका सेकंड डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 2 रन, फिर यहाँ पे 6 रन, फिर 1 रन, फिर 4 रन, फिर यहाँ पे 16 रन। जिशा 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए 2 रन बनाई हुई है, बाकी ये ओपन करते हुए 3 मैचेस खेली है, पहले मैच के अंदर 2 रन, फिर 9 रन, फिर 0 रन, ये ओपन करते हुए 3ों मैच के अंदर फ्लॉप रही है आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों PEA का और RUB का, दोनों ही टीमों का सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए और स्टेट्स को देखते हुए दोस्तों प्लेयर्स को आप अपने टीम के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। और टीम चाहो ना आप यहाँ से खुद बना सकते हो। देखो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना वीडियो के थ्रू, ठीक है, जितना भी हो सकता है मेरे साइड से बैटिंग ऑर्डर के साथ सारी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ, कौन से प्लेयर किस मैच के अंदर कितना स्कोर किया है, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिलता है दोस्तों, हेल्प मिलता है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चलिए मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को देखते हुए, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे।
शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर से, जिसमें पीए के टीम की तरफ से एमपी वैष्णव बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाली है, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया है, इनको अपने टीम के अंदर ट्राई करेंगे। बाकी का रिकॉर्ड आपने देखा है, सारे प्लेयर्स का स्टेट्स मैंने आपको दिखाया, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी मैं बैटिंग से तीन बैट्समैन को उठाता हूँ, जिसमें से पीए की टीम की तरफ से तीनों के तीनों बैट्समैन है, बहुत सुपर खिलाड़ी दोस्तों, अच्छे प्लेयर है, अच्छे फॉर्म पर चल रही है, अच्छे स्कोर कर रही है, मैं इन तीनों बैट्समैन को फिलहाल ट्राई करता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मैंने चार ऑलराउंडर को ले रखा है, जिसमें से आरयूबी की टीम की तरफ से तीन प्लेयर है और पीए की टीम की तरफ से ओनली एम मीनू को मैं ट्राई करूंगा, जो कैप्टेंसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत बढ़िया खेले हुई है। बाकी बॉलिंग में देखेंगे, मैंने तीन बॉलर को ले रखा है, शुराया टीम के शानदार गेंदबाज है, यहाँ पे दोस्तों एस विनायक को मैं ट्राई करूंगा, ये भी टीम के कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करती है दोस्तों, और यहाँ पे मैं जोशीता को ट्राई करूंगा जो आरयूबी की टीम की तरफ से, ये भी टीम के कंप्लीट चार ओवर तक बॉलिंग करती है। ठीक है दोस्तों, मेरे साइड से टीम प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टेंसी के लिए एम मीनू और यहाँ पे शुराया को मैं ट्राई करूंगा, जो बॉलिंग से बहुत शानदार अभी तक यहाँ पे पॉइंट्स दी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे साइड से टीम है, इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना है अपने साइड से तो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा, वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।